सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबके, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों को, और वो डूबते हुए कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, इनके सर तो कच्चे ईंटों से ही ताज बनाते हैं। कि मेहनत कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, मेहनत कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। एमके सर तुम्हें इस तरह से पहाएंगे कि एक दिन तुमसे जलने वाले भी तेरे स्वागत में डीजे बजाएंगे। सर का पढ़ाने का अंदाज ही अलग है और क्लास का माहौल तो और भी लाजवाब है। ये बात हमें तब पता चला जब 12th में इंग्लिश की तैयारी के लिए सासाराम की गलियों में इधर उधर चक्कर काट रहा था। हर कोचिंग में गया, हर टीचर से पढ़ा, मगर उदासी और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। तब एक दोस्त ने बताया कि ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश क्लासेज में जाओ, जिनका संचालक मनोज सर है। ऐसे तो मेरा दिल और दिमाग ये मान रहा था कि अब सासाराम में इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर ही नहीं मिलेगा। फिर भी मैं मनोज सर के क्लास में गया, उनके पढ़ाने का अंदाज को देखा और उनके सेंटेंस बनवाने की अदा पर तो फिदा ही हो गया। मुझे कुछ डिसाइड करने से पहले ही मेरा दिल और दिमाग उनको अपना गुरु मान चुका था। आपको और एक बात बता दूं कि उनका बुक और टेस्ट ये साबित करता है कि सासाराम में इनके जैसा मेहनत करने वाला कोई टीचर नहीं है, और उन्हीं मेहनत ने हमें खुद मेहनत करने पर मजबूर कर दिया और 12th में हम भी एक अच्छा मुकाम को हासिल कर सके। सर को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से नमन करता हूँ।